सीरिया की राजधानी में हुए कथित इजरायली हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हमास के खात्मे से शुरू हुई गाजा की जंग अब इलाके से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल सीरिया में ईरानी दूतावास पर कथित इजरायली हमले में दो टॉप सैन्य कमांडरों की मौत से ईरान गुस्से में है। ईरान ने इस हमले का इजरायल को कठोर जवाब देने की धमकी तक दे डाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की मौत की पुष्टि की थी। इसमें उनके सहयोगी कमांडर हाजी रहीमी भी मारे गए थे। ईरान ने इसके लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराते हुए अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। खास बात है कि हमले को लेकर इजरायल ने ना तो हमले की जिम्मेदारी ली थी और ना ही इसका खंडन किया था। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईद उल फितर के मौके पर अपने संबोधन में इजरायल को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि इजरायल ने रमजान के पाक महीने के दौरान गाजा में उत्पात मचाकर बहुत बड़ी गलती की है। मासूम बेगुनाहों पर क्रूरता और अत्याचार कर इजरायल ने अपनी कब्र खुद खोद दी है। साथ ही उन्होंने सीरिया में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के लिए जवाबी कार्रवाई का भी वादा किया। खामनेई ने कहा कि जब वे हमारे वाणिज्यिक दूतावास पर हमला करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हमारी धरती पर हमला किया है। दुर्भाग्य से इजरायल ने इस हमले पर गलती कर दी है और उसे दंडित किया जाना चाहिए और दंडित किया जाएगा। अपने भाषण के दौरान ईरानी सर्वोच्च नेता ने युद्ध में निरंतर समर्थन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के नेताओं को भी खूब लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, पिछले सालों की घटनाओं में पश्चिमी देशों की सरकारों ने पश्चिमी सभ्यता के दुष्ट स्वभाव को खुलेआम दुनिया के सामने रखा है। गाजा में खूनी घटनाओं ने इस साल के पवित्र महीने रमजान के दौरान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कड़वी यादें दी हैं। इजरायल महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर रहा है क्योंकि वो फिलिस्तीनी लड़ाकों को हराने में विफल रहा है। ईरानी धमकियों के बीच इजरायली विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने खामनेई पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने इलाके से हमला करता है तो इजराइल जवाब देगा और ईरान में हमला करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल ने संभावित ईरानी खतरों की पूरी तैयारी कर ली है। ईरान के जवाबी हमले की धमकी के बाद इजरायली रक्षा बल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। इजरायली सेना ने हवाई सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। दावा है कि इजरायल में राजधानी समेत कई इलाकों में जीपीएस सेवाएं बाधित हो गई हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा गाइडेड मिसाइलों को रोकने की तैयारी के तहत किया जाता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ईरान बदले के लिए इजरायल के अंदर हमला कर सकता है। ईरान की धमकी के बाद आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने कहा कि इजरायल अपने खिलाफ हर खतरे को गंभीरता से ले रहा है और लड़ाकू विमान हर हालत के लिए तैयार हैं। हम हर समय खतरों को देख रहे हैं और कई मोर्चों पर उन्हें विफल कर रहे हैं। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया है। ऐसे में साफ है कि आने वाले वक्त में ईरान और इजरायल के रिश्ते बद से बदतर हो जाएंगे।